हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम बायोलॉजी के क्वेश्चन करते हैं। जितना भी क्वेश्चन मैं लिया हूं, सारे लूसेंट से क्वेश्चन लिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके कोई भी अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करे, SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए आपके बेनिफिट होगा। और आपके कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे तो उन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन जो लगा के देख सकते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैं डेली बेस पे करंट बेस पढ़ाता हूँ, तो आप डेली बेस पे करंट बेस पढ़ सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और इसके पहले पिछले क्लासेस को नहीं देखा हूँ तो देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 200 सीरीज चलने वाली है। 135 क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर में कराया था, ये हमारा 136वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें। चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो हमारा क्वेश्चन है 136, हमारे शरीर में किस हिस्से में पीनियल ग्रंथि उपस्थित होती है। तो हमारे शरीर में कौन सी एक ग्रंथि जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि, तो ये आपका ग्रंथि होता है। ये आपके शरीर में कौन से भाग में पाया जाता है, तो मस्तिष्क में, हृदय में, यकृत में, या आपका किडनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका मस्तिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो हमारे शरीर में आपके मस्तिष्क में ये आपका पीनियल ग्रंथि होता है। ये आपका कैसे काम करते हैं पीनियल ग्रंथि, तो हमारे शरीर में मतलब जो आपके मस्तिष्क में अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा आपका काम करता है। जैसे आपका जागने सोने, जैसे आपके जो मौसम संबंधित जो ज्ञान है वगैरह है, तो आपके इसी पीनियल ग्रंथि के मस्तिष्क के माध्यम से होता है। तो इसको याद रखिए, मतलब मस्तिष्क एक मतलब छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसमें आपका एक मेलाटोनिन पैदा होता है। तो इसके माध्यम से हम जो जागते हैं, सोते हैं, तो इसी के माध्यम से होता है पीनियल ग्रंथि, मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किडनी का क्या काम होता है। तो किडनी का जो काम है जो ब्लड को इसको छानने का काम करता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो पीयूष ग्रंथि, पैंक्रियाज, अग्नाशय, या अधिवृक्क ग्रंथि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह मानव शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित अंतःस्रावित ग्रंथि है, तो इसको याद रख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। इसका काम जो है आपका क्या होता है, शरीर में कौन सा काम करता है, तो जो आपके आपके पेट के पीछे आपका पाया जाता है, ये आपका एक तरह का एंजाइम है जो भोजन के पचाने में बहुत हेल्प करता है आपका अग्नाशय। और ये आपके एक तरह का हार्मोन भी बनाते हैं जो ब्लड शुगर के स्तर को भी आपके नियंत्रित करके मतलब मेंटेन बना के रखता है। तो इसको याद रखिए, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का क्या का काम होता है, तो पीयूष ग्रंथि आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, मस्तिष्क में पाया जाता है। इसको पिट्यूटरी के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपके मस्तिष्क के आधार के मतलब आधार है, तो इसको याद रखिएगा। आपके मटर जैसा आकार में आपका होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अंडाशय किसमें पाया जाता है, पुरुषों में, स्त्रियों में, पुरुष और स्त्री दोनों में, या किसी में नहीं पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आपके अंडाशय, इसमें आपका मतलब अंडाशय आपके स्त्रियों में पाया जाता है। अंडाशय जो कि महिला प्रजनन प्रणाली में एक मतलब अंग है, इसको याद रखिएगा। तो आपके अंडा पैदा करता है, तो आपको याद रखिए। तो स्त्रियों में आपका पाया जाता है, पुरुषों में नहीं पाया जाता है, आपकी स्त्रियों में पाया जाता है, इसको याद। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपका आँत, हृदय, मस्तिष्क, या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो, तो टाइफाइड में जो होता है, टाइफाइड शरीर का सबसे अधिक जो प्रभावित वो आपको आँत को करता है, तो इसको याद रखिएगा। तो टाइफाइड मतलब बुखार में आपके पाचन तंत्र को बहुत ही प्रभावित करता है, और आपके समय में इसके साथ साथ शरीर के कई अंग जो इसको प्रभावित होते हैं। टाइफाइड जो आपके रोगों में पेट दर्द, फीवर, हल्का हल्का सिर दर्द वगैरह, इसके कम वजन कम वगैरह होता है, तो कई समस्या इससे आपका जुड़ा हुआ होता है, इसको याद रखिए। ये आपके किसके माध्यम से होता है टाइफाइड, तो एक कवक है, सालमोने टाइफी करके मतलब जो जीवाणु होता है, इसके माध्यम से टाइफाइड होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, इसको सूखा रोग भी कहा जाता है। इसको मतलब ठीक होने के लिए क्या करना चाहिए, तो विटामिन सी के अंतर्गत जो खट्टे फल है जैसे आंवला वगैरह, इसमें खाना चाहिए, तो इसको याद रखिएगा।
और आपका यहाँ पे विटामिन डी की बात करूँ तो विटामिन डी के कारण कौन से बीमारी होती है, विटामिन डी से हमारी जो हड्डी वगैरह दांत है इससे काफ़ी ज़रूरी होता है विटामिन डी। और आपके खास करके बच्चों में विटामिन डी की कमी से आपका कौन से बीमारी होते हैं, रिकेट्स नाम सुने होंगे, तो आपका रिकेट्स करके एक बीमारी होता है जिसको याद रखिए इसी के नाम से इसको जाना जाता है। हड्डी इसमें मतलब काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और आसानी से टूटने लगती है, तो आपके विटामिन डी की कमी से होता है इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे इसको जो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी इसको कहा जाता है, इसमें पतले होने का खतरा बना रहता है, तो विटामिन डी जो मछली के तेल इसमें दिया जाता है जो बीमार जो मरीज होते हैं, साथ ही साथ इसका विटामिन डी के लिए धूप भी बहुत ज़रूरी होता है। आपका विटामिन बी सी तो हो गया है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की जो कमी होने वाला रोग आपका बेरी बेरी नाम सुने होंगे, तो इसको बेरी बेरी रोग होता है, तो इसमें अल्जाइमर आदि रोग इसमें होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसमें जो सोचने समझने की जो क्षमता है इसका इससे कमी देखने को मिलती है, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका विटामिन सबको बता दिए हूँ, एक नहीं बताया आपका रतौंधी बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, इसके लिए गाजर वगैरह इसमें फल फूल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग कौन सा है जिसमें हड्डी वगैरह इसमें पतला होते जाता है, मतलब हड्डी से संबंधित बीमारी है जिसमें कैल्शियम फास्फेट की इसमें कमी हो जाती है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपके कौन से मतलब विटामिन की कमी से होता है, तो मैंने जस्ट बताया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, अक्सर जो है बच्चों में आपका देखने को मिलती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सबको बता चुका हूँ, इसका मैं नहीं बताया था आपका विटामिन के का। विटामिन के का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो विटामिन जो के है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मतलब इसकी कमी से जो है आपका मतलब ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, यानी मतलब थक्का वगैरह नहीं बन पाता, इससे चोट लगने या किसी ऑपरेशन के दौरान या फिर हेवी ब्लीडिंग हो जाती, मतलब ब्लड सर जो ब्लड है अधिकतर मात्रा में निकलता है इसमें, आप जान भी इसमें जा सकती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर के कौन सा अंग कभी आराम करता नहीं, मतलब रेस्ट नहीं करता है, तो मानव शरीर का यकृत, हृदय, मस्तिष्क या फेफड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, याद रखिएगा। तो मानव शरीर का जो मस्तिष्क है माइंड, ये आपका जो ये यहाँ जो अंग है जो आपके कभी आराम नहीं करता, रेस्ट नहीं करता, मतलब इंसानी शरीर का एकमात्र हिस्सा जो कभी रेस्ट या आराम नहीं करता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, कोलेजन, हिपेरिन, फाइब्रोनोजेन या आपके कैरोटीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिए। तो ये आपका जो फाइब्रोनोजेन जो है आपका ये जो प्रोटीन है जिसमें रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो इसको याद रखिए। विटामिन जो के है तो यहाँ पे इसके माध्यम से निर्माण में मतलब मदद करता है विटामिन के, और यहाँ पे थक्का बनाने के लिए मुख्य प्रोटीन आपका ये आपका इसको फाइब्रोजन भी कहा जाता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के सौंदर्य या सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है आपका कैलोलॉजी, आर्निथोलॉजी, साइटोलॉजी या ओडोंटोलॉजी, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका कैलोलॉजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होता है कैलोलॉजी, तो आप मनुष्य के सुंदरता या सौंदर्य किसमें अध्ययन किया जाता है कि कौन आदमी कितना सुंदर है, तो ये आपका कैलोलॉजी कहलाता है, तो मानव सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये वाला बता चुका हूँ शायद आपको, आर्निथोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जो जितने भी जो पक्षी होते हैं उनके आंतरिक भाग, उनके बाहर जो आंतरिक भाग बाहरी भाग उनका विस्तार कैसा हो, उनके दिनचर्या मानव के लिए उनके क्या मतलब इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आपके पक्षियों का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन ये आपका कहलाता है, तो पक्षी विज्ञान इसको कहलाता है आर्निथोलॉजी, जिसमें पक्षी वगैरह का अध्ययन किया जाता है। तो आपका तो ये आपका बर्ड से अध्ययन है। साइटोलॉजी इसमें क्या होता है, साइटोलॉजी ये आपका किस कोशिका विज्ञान है, तो आपके कोशिका जैविकी या कोशिकाओं के इसमें अध्ययन किया जाता है कि कैसी इसकी संरचना है, क्या कोशिकांग है, तो इसमें कोशिका अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, तो इसको याद। और आपका ओडोंटोलॉजी ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसमें दांतों,
तो ओडोंटोलॉजी क्या है, तो इसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है। देखे होंगे ओडोंटोलॉजी डॉक्टर वगैरह उनके अपने केबिन में लिखा रहता है ओडोंटोलॉजी करके, जिसमें दांतों के रोगों के अध्ययन के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो माल्टोज, लैक्टोज, लाइसोजोम या सुग्रोज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम, नाम सुने होंगे, तो लाइसोजोम है आपके इसमें, जो मनुष्य के आंसू का इसमें मतलब आपके एंजाइम है एक तरह का, जिसमें आंसू का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो मनुष्य आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपका लाइसोजोम एंजाइम है, तो आंसू का ये आपका एंजाइम है जिसके माध्यम से आपके आंसू वगैरह आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे निम्न में से कौन सा रोग विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे एक मिस्टेक होगा, आपका ग्लाइसाइटिस रोग होता है, तैरतौंधी नहीं, आपका ग्लाइसाइटिस रोग है, जिसकी कमी से आपके विटामिन B12 की कमी से ग्लाइसाइटिस रोग होता है। इससे क्या होता है, इसमें आपका जीभ वगैरह लाल हो जाता है, मतलब तेज जलन होता है, दर्द इसमें दर्द वगैरह होने लगता है, तो इसको याद रखिएगा। मतलब जीभ वगैरह प्रॉब्लम होता है, सूजन हो जाती है, लाल हो जाता है, तेज जलन इसमें होता है, तो विटामिन B12 की कमी से आपका होता है, तो इसको याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एनीमिया। इसको नहीं देख रहा था मैं, तो एनीमिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं उचित दर्शन के लिए, हमको अच्छी तरह से देखने के लिए आँखों से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, इसको याद रखिएगा। तो हम अच्छे से देखने के लिए दूरी हो रही 25 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, तो हम इसको स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, तो स्पष्ट दर्शन के लिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर ये आपका होना चाहिए, तो हम स्पष्ट रूप से हम देख पाएंगे, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके DRDO के पेपर में क्वेश्चन पूछा है, रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कॉस्मोलॉजी, साइटोलॉजी, न्यूरोलॉजी या आपके न्यूरोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको साइटोलॉजी, मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें क्या होता है, कोशिकाओं का मतलब महत्वपूर्ण रूप से इसमें अध्ययन होता है, तो कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी इसको कहता है, उसको कोशिका जैविकी या बायोलॉजी सेल भी इसको कहलाता है, तो इसको याद रखिए, इसमें कोशिका के अध्ययन कहलाता है। और आपको ये आपके कोशिकाओं के अध्ययन को ये आपका हो जाए साइटोलॉजी। कॉस्मोलॉजी इसमें किसका अध्ययन करते, तो इससे जितने भी इसमें ब्रह्मांड, याद रखिए, तो इसमें ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, खगोल विज्ञान की एक शाखा है, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपके कॉस्मोलॉजी कहलाता है, तो इसको याद रखिएगा। न्यूरोलॉजी क्या होता है, इसमें न्यूरोलॉजी इसमें जो हमारे जो नस वगैरह रहते हैं, तो इसके अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं, जो डॉक्टर वगैरह लिखा रहता है न्यूरोलॉजी, तो हमारे जो नस से संबंधित होता है शरीर में, तो ये आपका इलाज वगैरह न्यूरोलॉजी, उसके अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को जस्ट मैं बताया कॉस्मोलॉजी इसको कहलाता है, तो इसको याद रखिए, बाकी इनको बता चुका हूँ, दांत का अध्ययन, पक्षी का अध्ययन, ये सब बता चुका हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं, तो DNA और लिपिड से, DNA और प्रोटीन और आपके लिपिड और एंजाइम और आपका इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाए आपका, तो गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में लगभग 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो गुणसूत्र जो पाए जाते हैं आपके किससे मिलकर बना होता है, तो आपके DNA और आपका प्रोटीन से मिलकर आपका पाया जाता है, मतलब 31% आपका DNA होता है और आपका 36% जो है आपका इसमें प्रोटीन बना होता है। इसमें जो RNA की बात करूँ तो लगभग नहीं के समान 5% इसमें RNA होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको DNA और प्रोटीन लेना है, अगर उसमें प्रोटीन रहेगा तो 5% बहुत नहीं के समान इसमें मिला होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आज के सेशन मतलब क्वेश्चन, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा, पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, और आपका जो स्कोर कितना बन रहा है उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आपको बैकग्राउंड में यहाँ पे कथा वगैरह हो रहा है मेरे घर के पास, तो आपको सुनाई दे रहा है मतलब दे रहा होगा, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। तो चलिए सेशन को बस आज यहीं रखते हैं, थैंक यू।